नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके जो टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बारे में। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके इसके जो क्वेश्चंस आते हैं चार नंबर के, यानी आपको ये चार नंबर दिला सकता है। तो हम आपको सिखाएंगे इसमें बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से और साथ में ट्रिक के साथ, आपका एक भी वाक्य पेपर के अंदर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप अगर इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे और पूरा ध्यान से देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका एक भी वाक्य है जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन रूल को ध्यान से देखिएगा और लिख के कॉपी में और अच्छी तरह इनके एग्जाम्पल कीजिएगा। आपको लास्ट में एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे जो आपके बोर्ड के अंदर आए हुए हैं उसके बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इन रूल को अच्छी तरह कर लेते हैं तो मैं कहता हूं गारंटी के साथ आपका एक भी वाक्य छूट जाए तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके आपको कुछ रूल्स याद करने हैं और कुछ रूल्स को फॉलो करके उस हिसाब से वाक्य करने हैं तो आपका एक भी वाक्य छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। तो कुछ आपको शब्द याद रखने हैं एडवर्ब्स, अगर उनको आप ध्यान में रखोगे तो आप, मैं कहता हूं 100% आपके गारंटी से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो देखते हैं इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी एडवर्ब आती है, तो कौन कौन सी आपको वर्ब लगानी है। देखो ये शब्द लिखे हैं often, always, daily, seldom, occasionally, rarely, scarcely, every या each। every each के बाद में देखो ये लिखा हो सकता है every day, every week, every month, every year, इसमें से कोई भी आ जाए, या sometime, twice a day आ जाए, twice a week आ जाए, twice a month आ जाए, twice a year आ जाए, ठीक है। या फिर आ जाए on Monday, मंडे की जगह देखो कौन कोई भी आ सकता है, मंडे, संडे, ट्यूजडे, कोई सा भी डे आ सकता है। ऑन द, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, एट नून, ऐसे आ जाए, यूजली आ जाए, रेगुलरली आ जाए। तो ये शब्द क्या है, ये है जिनके बाद में आपको अगर साधारण वाक्य है मतलब सकारात्मक वाक्य है तो वर्ब एक वचन है यानी सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगा देंगे, और प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर वही वर्ब के साथ आपको नॉट दिया होगा, देखो आप अपना एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर वर्ब में साथ में नॉट भी दिया हुआ है तो फिर डज नॉट लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट और वर्ब की जो फॉर्म है वो लगा देंगे, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो अपना ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। और ध्यान रखें इसके बाद में अगर कोई सार्वभौमिक सत्य आ जाए, सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या होता है, द सन इज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट, सूर्य क्या है पूर्व से निकलता है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है। लकड़ी पानी पर तैरती है तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो ये बहुत सारे सत्य हैं जिनकी वजह से अपन क्या लगाते हैं वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद देखो ये शब्द आ जाए नाउ, इसको अच्छी तरह याद रखेंगे नाउ। उसके बाद डे, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ठीक है, कंटिन्यूअसली, इन दीस डेज, नाउ ए डेज, ठीक है, Constantly, look, देखो look के बाद में यहाँ ध्यान से समझेंगे, look के बाद में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, exclamatory sign, या फिर listen के बाद में exclamatory sign हो वाक्य के शुरू में या last में, ये सब अलग से लिखेंगे। तो अपन क्या करेंगे उसमें is, are या am का यूज करेंगे और उसके साथ verb ing form लगाएंगे। is कब लगाते हैं एक वचन के लिए, are कब लगाते हैं बहुवचन के लिए, am कब लगाते हैं सिर्फ I के साथ, ठीक है। तो अपनी वर्ब बिल्कुल सही होगी, इनमें से कोई भी आपको एडवर्ब दिखे सेंटेंस के अंदर तो अपन उसमें क्या करेंगे इज आर एम और आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद देखो आपको लिखे जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ। देखो यहां पर टिल नाउ, यहां पर सिर्फ नाउ आया था, यहां पर क्या है सिर्फ नाउ है और यहां पर टिल नाउ आ गया, ठीक है, जस्ट नाउ आ गया, दीज, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, ये ऐसे शब्द आ जाए, मंथ, दिस ईयर, तो अपन क्या करेंगे उसके साथ हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसे शब्द ये एडवर्ब आपको कहीं भी दिखे सेंटेंस के अंदर तो आप हैज या हैव में से एक लगा के उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, और आई के साथ, यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद देखो चौथा सेंटेंस देखते हैं, आपको सिंस, फॉर और ऑल के बाद में आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, सिंस, फॉर और ऑल के बाद में टाइम देकर रखा है, तो हैज, हैव, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। हैज, हैव में से एक, उसके साथ बीन और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद अगला है, अगर सिंस के बाद समय नहीं दिया हो तो क्या करना है, देखो सिंस दिया होता है कभी कभी, उसके बाद में सेंटेंस नहीं दिया होता है
तो सिंस वाला जो सिंस के साथ सेंटेंस होता है ये इसके साथ वाला इसके जस्ट बाद में वाला सेंटेंस है, यानी सिंस के साथ वाले सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और बचे हुए सेंटेंस के अंदर हैज या हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैज या हैव में से एक लगाना है उसके बाद बीन लगाना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। तो देखो इसके बाद में ये सिंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस सिंस में रिसिस में थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद छठा पॉइंट देखते हैं, आपको ऐसे शब्द मिले यस्टरडे, वन डे, वंस, एगो, दैट डे, एज सून एज, लास्ट, लास्ट लिखा है उसके बाद वीक आ जाए, ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, ठीक है, द अदर डे आ जाए, इन, ऐसा इन के बाद में ऐसा ईयर लिखा जाए, ऐसा सन लिखा जाए जो बीत चुका है, जैसे 2003, 1947, ठीक है, ऐसे सन आ जाए तो वो उसमें अगर अपने को क्या बनना है, अगर साधारण वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे और अगर नेगेटिव वाक्य है तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे अगर वर्ब में साथ में ब्रैकेट में नॉट दिया हुआ तो। तो ये था देखो ये सब याद रखने एडवर्ब, तब अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उसके बाद अगला देखते हैं सातवां नियम, अगर वाक्य वेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वेन एक क्लोज होता है जिससे यूज किया हुआ है कंजक्शन के रूप में और वेन के साथ वाले सेंटेंस में हमेशा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वेन के जस्ट बाद में जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कुछ वाक्य या आधा वाक्य इससे आगे भी हो सकता है, नहीं तो इसके बाद में कॉमा करके और बाद में भी लिखा हो सकता है। ये बात ध्यान में रखेंगे यहाँ इस पॉइंट को, ये वाला सेंटेंस है कभी कभी वाक्य वैन से शुरू करके ये लिख देता है फिर कॉमा करके आगे वाला सेंटेंस लिखता है या दूसरा सेंटेंस सीधा जोड़ देता है। तो वैन वाले शब्द वैन वाले सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वैन भी हो सकता है वहां से एज भी हो सकता है, वैन और एज दोनों ही एक ही काम करते हैं, ठीक है। तो बाकी बचे हुए सेंटेंस में आपको बाद या वर्ब लगाना और आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब वो वाक्य शुरू में दिया हुआ है या इसके बाद में दिया, वैन वाले सेंटेंस के बाद में भी दिया हो सकता है, ठीक है, अपने एग्जांपल करें तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है, तो अपन बाद या वर्ब आईएनजी फॉर्म और वैन के सेंटेंस वाले में सेकंड फॉर्म लगा देंगे चाहे वो एज भी हो। अब देखो एज सून एज से वाक्य जुड़ा होता है कंजक्शन के तौर पर, एज सून एज आ जाए तो क्या करना है, एज सून एज दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो उससे पहले वाले सेंटेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद वाले में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कई बार ऐसा होता है एक में अपने को दे देता है और दूसरे में पूछता है, तो अपने को सिंपल सी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, एट दैट टाइम, इन दीज डेज, एट दैट मोमेंट, ऐसे शब्द आ जाए। देखो एट दैट टाइम पहले अपने पढ़ा था, एट दिस टाइम यहां पर देखो एट दिस टाइम है यहां पे, तो ये क्या है आपको लगाना है इज आर एम और आई एन जी फॉर्म। यहाँ देखो एट दैट टाइम लगा हुआ है, एट दोज रोज है, यहाँ दिस डे है, यहाँ दोज डे है, और एट दैट मोमेंट वहां दिस मोमेंट है, यहाँ दैट मोमेंट, ऐसे शब्द आते हैं। तो वाद या वर्ब में से एक लगाना है वाद सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ, प्लस आई एन जी फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। तो ये अपना ये आपको एडवर्ब दिखे तो आप ये वर्ब लगा देंगे। उसके बाद देखो अलग से अगर वाक्य कोई वाइल से जुड़ा हुआ है यानी वाइल कंजक्शन का काम कर रहा है, क्लोज का काम कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उससे वाइल से पहले वाले में वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाज या वर और आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके बाद में भी वाज या वर और आईएनजी फॉर्म आएगी। एक तरफ दे रखी होगी, एक तरफ अपने को पूछेंगे, तो अपन क्या करेंगे वाज या वर में से एक लगा देंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो ये आपको नियम दिए हुए, ये आप कॉपी में नोट करें पहले, इसके बाद इसके आगे वाले और नियम देखते हैं, दो तीन नियम और हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी में नोट कर लें ताकि अपन एग्जांपल करेंगे तो आपको आसानी से कर पाएंगे। देखो आपने अगर ये जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छी तरह लिख लें, एक कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद अगले नियम है, इनको भी आप कॉपी में लिख लें ताकि हम जो आगे बात करेंगे जब इनके एग्जांपल की, तो आप पीछे से देख के इनके बारे में पता कर पाए। तो देखते हैं आगे के नियम। अगला जो नियम है, अगर वाक्य के बीच में बिफोर या आफ्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, बिफोर या आफ्टर, तो बिफोर वाले वाक्य में पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक तरफ देखो ये लिखा होगा, चाहे इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दे तो इधर अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देंगे, और इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया तो इधर अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। अगर देखो ये आफ्टर वाला है तो बिल्कुल इसका उल्टा, अब पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म अब आती है और फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये कौन से वाक्य में, बिफोर और आफ्टर वाले में। देखो बिफोर और आफ्टर का एक और आएगा यहाँ पे जो अपन बात करेंगे, यहाँ पे
ये देखो इसके क्या होता है, इस वाक्य में अपन पहले इस नियम को देख लेते हैं। इसमें एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसी ईएस, तो दूसरी तरफ विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो ये ध्यान रखेंगे एक तरफ दिया होगा एक तरफ आपको लिखना है। अगला देखते हैं, अगर वाक्य वैन या एस से शुरू हो रहा है, ठीक है, एक वाक्य में वैन और एज आ रहा है साथ में और दूसरे वाक्य में सिंस फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ है, वाक्य में एक में वैन और एज से एक साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है उस वाक्य में सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो वैन के साथ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म और सिंस और फॉर समय वाले के साथ में ये लगा देंगे हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो आपको देखो ये दो तरीके से बताया था, एक तो वैन बीच में हो सकता है वाक्य के, ठीक है, तो ये शुरू में होगा, ये बाद में, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी बाद में आएगी। एक होता है वैन शुरू में ही आ जाए वाक्य के, बिल्कुल शुरू में, तो पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद वाला ये वाक्य है उसके बाद में आएगा दूसरे नंबर पे। तो ये ध्यान रखिए, अपन एग्जांपल करेंगे तो और इसे एक्सप्लेन में समझ लेंगे। उसके बाद देखो ये एडवर्ब आ जाए टुमारो, नेक्स्ट डे आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, या फिर कमिंग डे मंथ ईयर ऐसे आ जाए, या फिर द फॉलोइंग डे मंथ ईयर ऐसे आ जाए। तो ये डे की जगह देखो मंथ ईयर वीक कुछ भी आ सकता है, ये जो शब्द आ रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आ जाए, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर में, तो अपन क्या करेंगे, तो उसके साथ विल या सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल और देखो सेल किसके साथ आता है, आई और बी के साथ सेल आता है। ये अपन बात करें हेल्पिंग वर्ब की, वही मॉडल में क्या होता है उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। कई बच्चों ने कहा था सर विल और सेल आते हैं आई और बी के साथ, तो सर विल सेल आता है, लेकिन वो मॉडल में बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये आ गया इनके साथ, बाकी कोई भी आ जाए उसके साथ विल और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे उसके साथ। अगला नियम देखो, अगर ये आपको एडवर्ब दिख रही है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन फ्यूचर टाइम, और इसके बाद में ये शब्द आने जरूरी हैं, ये शब्द आने जरूरी हैं, अगर ये शब्द नहीं आएंगे तो अपन इसको किसमें कर, इसमें इसको किसके हिसाब से देखेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से, यानी इज आर एम और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन ये शब्द आने के बाद में उसका फ्यूचर वाला कोई लिखा हुआ है टुमारो, ये शब्द आ रहे हैं साथ में, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, तो फिर विल और सेल बी लगा के और आईएनजी फॉर्म लिख देंगे इसकी, विल या सेल में से एक लगाएंगे उसके बाद बी लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे। वहीं अगला सेंटेंस है, अगर वाक्य बाय प्लस टाइम से शुरू हो रहा है, किससे बाय प्लस टाइम से शुरू हो रहा है या बीच में आ रहा है, तो इस वाक्य में अपन क्या लगाते हैं विल और सेल के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें वाक्य में बाय और टाइम दिया हो, बाय के बाद में टाइम दिया हो, चाहे वो वाक्य के शुरू में हो चाहे लास्ट में हो, अपन क्या करेंगे उसमें विल और सेल लगा के उसके साथ हैव लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और विल और सेल कब लगाते हैं ये अपन देख लिया पे। अगला देखते हैं, जब वाक्य के शुरू में या बीच में बिफोर या वैन लिखा हुआ है, वैन या बिफोर वाक्य के शुरू में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। तो देखो वैन के साथ वाले वाक्य में तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ही आता है, या फिर बिफोर के साथ वाले में तो ये आता है, बाकी जो बचा हुआ ये वाक्य के पहले भी हो सकता है, इसको कॉमा करके इसके बाद में भी लिखा हो सकता है। तो उसमें क्या लगाना है, विल और सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, विल सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगला देखते हैं, जब वाक्य में दो बार टाइम दिया हो, ऐसे वाक्य जिसमें दो बार टाइम, एक होता है बाय के बाद में टाइम और एक होता है विल सॉरी सिंस और फॉर के बाद में टाइम, एक होता है बाय के बाद, एक सिंस फॉर ऑल के बाद में टाइम, तो ऐसे वाक्य जहां भी हैं तो अपन क्या करेंगे उसमें विल सेल हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, विल सेल में से एक लगाना है उसके बाद हैव लगाना है, बीन लगाना और आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके नोट्स हैं इनको आप कॉपी में लिख लें, तो दोनों टेबल आप कॉपी में इस टेबल के हिसाब से ही बनाएं ताकि आपको नियम आसानी से याद हो जाए। आपको क्या करना है, इन शब्दों को, इन एडवर्ब्स को उस टेंस के हिसाब से याद रखना है आपको, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कहते हैं सर एडवर्ब नहीं आए, तो एडवर्ब अगर ऐसे जो टाइम वाली एडवर्ब नहीं आती है तो उसके बाद बचे हुए सेंटेंस 90% सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। किसके, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस होते हैं जिसमें अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होता है। देखो तो इसके बाद अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी लगेगा किस तरह से वाक्य के अंदर एडवर्ब को पहचानना कैसे और कैसे उसके अंदर वर्ब बननी है। तो देखते हैं अपन एक एक एग्जांपल। तो सबसे पहला एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है आपके बोर्ड के अंदर आए हुए एग्जांपल है, ये सारे सारे क्या है आपके बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, नीतू हर पेंटिंग बिफोर सी वांट टू मार्केट। तो देखो यहां पर शब्द है बिफोर,
तो आपको पता है बिफोर से दो शब्द बनते हैं, तो आगे पीछे देखो कोई वर्ब दे रखी, पीछे वाली वर्ब दे रखी है वेंट। वेंट क्या होता है, गो की सेकंड फॉर्म, यानी बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर से पहले क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप सेंटेंस देख के जात में जो कॉपी में लिखे हुए वो पास में रखेंगे तो आपको पता चलेगा यहां लिख रहा है हेड और फिर उसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे, हैड कंप्लीटेड। तो ये हो गया, देखो सिंपल सी बननी थी, अपने को पता चला बिफोर से। दूसरा देखो, हेमंत हर एवरी वीक एंड, तो देखो यहां क्या आया है, एवरी वीक, तो एवरी वीक आया है, तो एवरी वीक के अंदर क्या है, यानी इसमें वर्ब के साथ एस या ईएस भरना है, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर वाला, तो उसके अंदर अपने को क्या भरना है वर्ब में, ये देखो हेमंत सिंगुलर है तो अपन क्या भरेंगे इसके साथ, कम्स, सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है सब्जेक्ट। उसके बाद अगला देखो, रमेश दिस नोवेल लास्ट नाइट फिनिश, देखो लास्ट के बाद में डे नाइट मंथ ईयर आता है, तो ये कौन सा है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना होता है, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ये लगा दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये सेंटेंस हो गया। देखो सिंपल से बाकी अपने को, अब देखो एडवर्ब से सारे पहचान रहे। अगला देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश एट दिस टाइम, देखो एट दिस टाइम आया है, ठीक है तो अपने पहचान लिया। उसके बाद में देखो कोई फ्यूचर टाइम तो नहीं है, अब बिल्कुल है, तो देखो यहाँ पर फ्यूचर टाइम है, तो अपन क्या करेंगे इस रीड के साथ, देखो स्टूडेंट है तो विल बी और रीडिंग, विल बी रीडिंग, तो देखो ये कैसे पहचाना विल बी, देखो देखो एट दिस टाइम आया है, उसके बाद में आपको कहा था फ्यूचर शब्द आते हैं फ्यूचर टाइम वाले, तो देखो एट दिस टाइम, सिर्फ एट दिस टाइम होता तो अपन क्या करते हैं फिर इज आर एम और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भरते, लेकिन इसके बाद में ये है तो अपन क्या बनना है, विल सेल में सेम बनना, उसके बाद बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, वी विद माय अंकल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक डे ईयर ये आ जाए तो अपने को क्या करना है, वर्ब में विल या सेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखो बी के साथ क्या आता है आई और बी के साथ सेल आता है, बाकी सभी के साथ मिल आता है, तो बी के साथ भरेंगे सेल और उसके बाद स्टे, ठीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको पीछे दी होती है, वो की वो उठा के यहां रख देंगे। अगला देखो, आई ऑफन बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, देखो यहां आफ्टर वाला सेंटेंस नहीं है, आफ्टर के बाद पूरा सेंटेंस होता तो आफ्टर वाला होता, तो ये इससे नहीं पहचाने के अपने शब्द है ऑफन, तो ऑफन वाले में क्या होता है वर्ब के साथ एस या ईएस भरना होता है, तो आई में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस नहीं आता है, ठीक है तो वर्ब में आई के साथ एस या ईएस नहीं होता है, तो सिर्फ अपन प्ले भर देंगे। अगला देखो, व्हेन आई सॉ हर फर्स्ट टाइम, तो देखो ये व्हेन वाला सेंटेंस है और व्हेन के साथ में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, सॉ क्या होती है सी सा सीन, तो ये सी की सेकंड फॉर्म है, तो बाद में वाले वाक्य में अपने को क्या करना है कैफे, तो अपन इसके अंदर भरेंगे वाज सिटिंग, दूसरे वाले में क्या होता है वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, तो देखो यहां सी के साथ क्या आएगा वाज और इसके साथ आईएनजी फॉर्म, तो इसको किससे पहचाना वैन से, देखो वैन का एक सेंटेंस देखो वैन के जस्ट बाद में जुड़ा होता है उसके साथ सेकंड आता है और बाकी देखो कॉमा करके यहां लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आगे भी हो सकता है वैन से और पीछे भी हो सकता है। उसके बाद देखो टुमारो इज फ्राइडे, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, आई टू सिटी मार्केट, यानी फ्यूचर में क्या लगा आई विल और सेल लगाना है क्योंकि टुमारो की बात हुई है, विल और सेल के बाद में क्या लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई के साथ क्या आता है सेल, तो लगाएंगे आई सेल गो, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो गो, तो ये सेंटेंस हो गया। अगला देखते हैं, राजीव ड्रॉप हिज मोबाइल वाइल, अब देखो वाइल वाला सेंटेंस है, वाइल वाले में क्या होगा उससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, ड्रॉप क्या होता है सेकंड फॉर्म, ठीक है या है वो आता है उससे पहले तो थर्ड फॉर्म होती है, सिर्फ ईडी लगा हुआ है तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है उसके बाद दिया हुआ है तो वाइल से पहले सेकंड फॉर्म है, तो वाइल के बाद में क्या करेंगे आपको दिया हुआ है तो वाइल के बाद में अपन लगाते हैं वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो यहां लगा देंगे ही के साथ आएगा वाज, क्या है बोर्डिंग बी ओ ए आर डी आई डी, बोर्डिंग मतलब जब वो बस में चढ़ रहा था तो उसका मोबाइल गिर गया। उसके बाद देखो द लिटिल गर्ल इन टू द मुड पॉन्ड बिफोर, देखो बिफोर वाला वापस आ गया, तो बिफोर से बाद में देखो क्या है वॉन्ड है यानी सेकंड फॉर्म है,
बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर से पहले क्या आएगा, वर्ब की हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टेप है, तो हेड ले लो, हेड स्टेप्ड, हेड स्टेप, तो ये हो गया। तो देखो इस तरह से आपको एडवर्ब पहचानना भी आ गया, सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानना है और उसके अंदर क्या वर्ब भरनी है। तो देखो आपको कोई भी वर्ब आ जाए आप इस तरह से भर सकते हो। अगर देखो आपको इनमें से कोई भी एडवर्ब नहीं दिख रही है, तो आपको जैसे बताया था 90% सेंटेंसेस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है, 90% सेंटेंसेस में यही होता है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप 100% परीक्षा में एक भी आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं छूटेगा, पूरे के पूरे सभी सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका बिल्कुल सही भर के आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो और क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।